Everyone. welcome to the वेलकम टू द्लेटफॉर्म ऑफ service today we सर्विस going वी आर lecture of लबैक वेब development एंड डिज़ाइनिंग कोर्स तो आज एक दफ़ा फिर हम अपनी वेबसाइट पे मौजूद हैं और आज हमने क्या करना है हमने अपनी वेबसाइट पे मौजूद ये जो हमारा फोटो है हमने इसको एडिट करना है अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें बीच में ऐड की फॉर्म्स ऐड किए हमने बटन्स ऐड किए आइकन्स ऐड किए हमने जो भी एडिटिंग की हमने कहाँ से की हमने अपने वर्ल्ड प्रेस के डैशबोर्ड से की हमने डैशबोर्ड में जाके अपनी सारी एडिटिंग की लेकिन आज जो हम करने लगे हैं अपने फुटर को एडिट फुटर में हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई डिफरेंट प्रोसेस है हमने इसको डिफरेंट तरह से डील करना है किस तरह से हमने क्या करना है सबसे पहले कस्टमाइज पहले मेन चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमने फुटर को करना क्या है हमने इसको रिमूव करना है इसको चेंज करना है या फिर हम क्या करना चाहते हैं इसका तो हम किस तरह से डील करना चाहते हैं हमारी जो भी सेटिंग है जिस तरह की भी सेटिंग है अगर आपकी थीम में आपको यहाँ पे फुटर इस तरह से अवेलेबल है तो आप क्या करें आप कस्टमाइज में जाएं अब कस्टमाइज में आपने क्या करना है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फुटर बिल्डर आपने फुटर बिल्डर को क्लिक करना है यहाँ पे हमें जो फुटर था हमारा उसमें सिर्फ एक चीज थी कॉपीराइट कॉपीराइट जो था हमारे प्रेस का अपना डिफॉल्ट कॉपीराइट राइट था पे अवेलेबल था अब हमने क्या करना है कि जो कॉपीराइट है है पे हमने इसको एडिट करना है। किस तरह से या, तो हम इसको कर देंगे, या फिर हम इसमें अपना कंटेंट अपना मटेरियल बीच में ऐड कर देंगे तो हम हमने अभी क्या करना है अगर हम क्रॉस करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे हम इसको पब्लिश करेंगे और जाके विजिट करेंगे अपनी वेबसाइट की वो चेंज हुआ है यानी कि वो वहाँ से रिमूव हुआ है ये नहीं हमने तो पब्लिश कर दिया रिमूव कर दिया हम बैक जा रहे हैं फूटर बिल्डर्स को हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं या फिर वैसे भी अगर हम देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें देखें नहीं हमने तो पब्लिश किया इसको हमने यहाँ से क्रॉस किया अब हम अपनी जो वेबसाइट है उसको रिफ्रेश करेंगे रिफ्रेश कर दिया तो हमें यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश नहीं भी करते तब भी आपने अगर पब्लिश कर दिया एक दफा आप उसी मोड पे हैं व्यू कर रहे हैं अपना पेज तो आपको वहाँ से अपने चेंजेस नजर आ जाएंगे हमने क्या किया हमने अपने जो हमारी वेबसाइट है या हमारा वेब पेज है उसका हमने फोटो यहाँ से रिमूव कर दिया है अब हमने क्या करना है उसी फोटो को अगर आप एक दफा रिमूव करते हैं दोबारा से आप चाहते हैं कि आप दोबारा से उस फोटोर को ऐड कर ले तो ऐड करने के लिए वापस हम उसी तरह से कस्टमाइज में जाएंगे वही सेम सेटिंग हमने करनी है हम कस्टमाइज में आ चुके हैं हमें अभी यहाँ से ये फोटो बिल्डर अवेलेबल है इसको हमने सिलेक्ट करना है आपने वही कॉपी राइट यहाँ पे ऐड करना है अभी यहाँ के पास ऑप्शन है क्या आप वही कॉपी राइट करना चाहते हैं एस ऐड एम एल करना चाहते हैं एक करना चाहते हैं दो करना चाहते हैं फोटो मेन्यू आपको देना चाहते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स देना चाहते हैं आप विजिट्स ऐड करना चाहते हैं आप कुछ भी इस तरह का ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं यहाँ के पास ऑप्शन है आप यहाँ पे सारा कुछ लिख सकते हैं किस तरह से सारा कुछ यानी कि आप यहाँ पे कॉपी राइट ऐड करना चाहते हैं हमने यहाँ पे कॉपी राइट ऐड कर दिया आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं सोशल मीडिया ऐड करना चाहते हैं आपने कर दिया आप यहाँ पे क्या ऐड करना चाहते हैं आप एच टी एम एल ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे आप दूसरा एच टी एम एल ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे हम एक विजिट ऐड करें पे हम दूसरा ऐड करें ये तो एक किस्म का इस तरह से है कि हमने सारा कुछ बीच में ऐड कर दिया अगर आपने सारा कुछ ऐड नहीं करना तो आप सिर्फ वो सिर्फ कॉपीराइट भी रख सकते हैं ये सिर्फ इसलिए है कि अगर आपकी चॉइस से आप सारा कुछ ऐड करना चाहते हैं नंबर ऑफ थिंग्स आप देना चाहते हैं अपने वर्ड के कॉपी के साथ साथ अपने फुटर में तो आप इस तरह से दे सकते हैं इसको हम क्रॉस कर रहे हैं इसको भी क्रॉस कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं यू फुटर मैन यू तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं लेकिन हम फिलहाल सिर्फ क्या कर रहे हैं अपना कॉपी दे रहे हैं कॉपी अगर आपने एज इट इज डिफॉल्ट कॉपी था वो तो यहाँ से हो गया लेकिन आप क्या करना चाहते हैं अपने कॉपी को चेंज करना चाहते हैं यानी कि अपना मेटीरियल जितनी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कॉपी को क्लिक करेंगे आपके सामने आ चुका है अब आपने इस कॉपी में अपना मेटीरियल अगर प्रोवाइड करना है तो अपना मेटीरियल प्रोवाइड करें यानी कि आप यहाँ पे थीम ऑथर की जगह पे आप कुछ और लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको आप जाके पब्लिश करें इसको हम क्रॉस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को हम व्यू करने लगे हैं आप ये इस तरह से नीचे से हमारा जो है कॉपीराइट राइट यहाँ से चेंज हो चुका है अगर आप इसकी साइड से प्रेसिस हटाना चलते हैं आप हटा सकते हैं अब हमने क्या किया हमने टू इन वन किया यानी कि हमने पहले इसको रिमूव कर दिया था उसको हमने दोबारा से ऐड किया और ऐड भी किस तरह से यानी कि डिफॉल्ट को हटा के कस्टमाइज करके अपनी जो सिटिंग थी वो बीच में दे दी अब ये तो एक तरीका था अपना जो फूटर है उसको एडिट करने का लेकिन कुछ थीम्स ऐसी हैं जिसमें आपको इस तरह से कस्टमाइज में फूटर एडिटर अवेलेबल नहीं होता तो उसके लिए आप क्या करते हैं आप अपने वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में जाएंगे आपने एक प्लगइन इन यहाँ से डाउनलोड करना है इंस्टॉल प्लगइन नहीं ऐड न्यू में आपने प्लगइन डाउनलोड करना है सर्च करेंगे हम विजुलाइज़ Footer, credit, फुटर क्रेडिट रिमूवल हमने क्या किया हमने यहां पे विजुअलाइज फुटर क्रेडिट रिमूवर ऐड किया और ये क्या है क्योंकि आप देखें कि जब आप इस तरह से अपने नेम में कोई भी रॉन्ग वर्ड प्लेस करते हैं तो अगर कोई भी वो मतलब कि जो आपका वर्ड है वो रिलेटेड है किसी और प्लगिन से तो आपको प्लग नहीं आता इसलिए जो आपने नेम देना है वो बिल्कुल एक्यूरेट एक अगर आप इस विजुअलाइज को विजुअल करें तो तब आपका जो प्लग है ये देखें आपको सामने नजर आ चुका है इसको हम क्या करेंगे इंस्टॉल करेंगे फिर इंस्टॉलिंग के बाद हम इसको एक्टिवेट कर देंगे एक्टिवेट कर दिया एक्टिवेट हो चुका है अब हमने इसको क्या करना है हमने इसको सेट करना है हम टूल्स में जाएंगे टूल्स में हम को को रिमूवर हम ओपन करें जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह के यू आई में ले आएगा ये हमें आ चुके हैं अब जो हमारा यहाँ पे हमने क्या करना है सबसे पहले हम जा रहे हैं नीचे अपने फुटर को सिलेक्ट करेंगे फुट सिलेक्ट कर दिया फुट सिलेक्ट हो चुका है आपकी चॉइस है आप यहां पे क्या नाम देना चाहते हैं। अब जो भी इसमें नाम देंगे इस तरह से वो यहाँ पे आ जाएगा आप कुछ भी लिखना चाहते हैं कुछ भी डिफॉल्ट से आप आ चुके हैं कस्टमाइज पे आप यहाँ से इसको कस्टमाइज करके आप इसको सेव करेंगे तो जो आपका एडिटर है कि आपकी सारी सेटिंग यहाँ से चेंज कर देगा ओके